मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गणित का होमवर्क गलत किया तो ट्यूशन टीचर ने जमकर पिटाई कर दी और अब मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नवी मुंबई के घनसोली गांव में रहने वाली नौवीं कक्षा की छात्रा घनसोली सेक्टर 5 स्थित एक निजी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ती थी। ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका शकीला अंसारी ने छात्रों को होमवर्क दिया था। कुछ छात्रों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया तो कुछ ने गलत उत्तर लिख दिया था। गलत उत्तर लिखने वाले छात्रों में समृद्धि का भी नाम शामिल था, चूँकि उसने भी गलत उत्तर लिख दिया था। इसी बात को लेकर शिक्षिका शकीला ने छात्रा को लकड़ी के डंडे से बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे उसके शरीर पर जगह जगह पर सूजन आ गया है। घर पहुंचने के बाद छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को बताई। छात्रा के शरीर पर डंडे के निशान देख अभिभावक भी क्रोधित हो गए और कोपर खैरने पुलिस स्टेशन में शिक्षिका शकीला अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। विवेक पंसारे, पुलिस उपायुक्त नवी मुंबई, ने क्या जानकारी दी है इस मामले को लेकर, आपको सुनाते हैं। ऊपर खैरने पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घनसोली में एक महिला प्राइवेट ट्यूशन लेती थी। वहां पे एक अल्पवयीन लड़की, वो जो मैथ्स सीखने के लिए आती थी, उसके कुछ मैथ्स के होमवर्क उसको दिया गया था। वो होमवर्क उसने गलत किया, इसलिए वो शिक्षिका ने उसको लकड़ी से मारहाण की है, ऐसा एक मामला सामने आया है। इसमें IPC 324 और बाल हक न्याय कायदा के तहत गुना दाखिल किया है। मेडिकल रिपोर्ट लड़की की मंगाई है और उसके बारे में और तपास करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।